अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सभी टिक टॉक होंगे। अभी मैंने की है कमरे की सफाई, तो मैंने कहा चलो व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने व्लॉग स्टार्ट अपना कर लिया। तो कैसे आप सभी टिक टॉक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और ये मैंने कपड़ा रखना है नीचे अभी, क्योंकि यहाँ से कोई किरम कराना आ जाए। तो चलें आपको साथ से दिखाते हैं आज क्या होने वाला है। चलें जी, इसको ठीक करके रख दिए। अभी थोड़ा सा और ठीक करना है, क्योंकि ये सीधा सीधा सारा सारा हो जाए, क्योंकि कोई बाहर से चीज़ ना आए। तो अभी मैं करने लगी हूँ, आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये हमने ले लिया है बकरा, जो कि बहुत ही ज़्यादा बोलता है। अभी तो ये खा रहा है अपना खाना। तो ये खाना खा के ना फिर आपको बाद में इसे मिलाऊँगी। याद रहेगा तो पेड़ ये तो बाहर चले जाता, मैं तो घर में रहती हूँ, मैंने कहाँ से दिखाना है इसको। और मैंने कमरे की लाइट्स ऑन की। तो मैं आपको ना एक चीज़ दिखाती हूँ। वो थे ये सूर्य भी हमने डाले हुए थे, और यहाँ थोड़ा सा पानी था, यहाँ मैंने वेपर मार दिया था। तो मैंने ना अभी अपना आज मैंने छुट्टियों का काम आया, और 7:30 बजे 7:30 बजे मामा ने सुबह डाल दिया था कि जल्दी जल्दी सफाई करो। तो मैंने कहा चलो करते हैं हम। और ये दोपहर का वक्त हो चुका है, मैंने अपनी खाई थी मैक्रोनी, जो कि मैंने नाश्ता भी नहीं किया और सीधी खाई थी मैक्रोनी नाश्ते के बगैर ही। तो ना मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा था बाद में। ये मैक्रोनी खा के मैं बाद में मिलती हूँ। मैक्रोनी मैंने खा ली है, फिनिश कर ली खड़ी है। समोसा आलू बचे थे, आलू मुझे नहीं पसंद था, आलू मैंने सेट पर रख दिए थे। और यह समोसों का छापा, और मैंने ये देखें फिर जितनी मर्जी सफाई कर लो, कमरा तो आपका गंदा ही होना है। देख लेना भाई, जितनी मर्जी सफाई कर लो, देखिए कितना गंद पड़ा हुआ है। अब मैं ये मैंने फिर साफ़ करना है इसको, मैं क्या करूँ, फिर मुझे करना पड़ना। ये ले जी, कर दी है मैंने सफाई। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, जो कि मैंने पहले आपको कहा था कि मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए पंखा भी ऊपर चल रहा है। ये है नसूरे, जो कि मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये देखें जी, इसको मैंने अभी हिलाना है, क्योंकि ये इसमें ज़्यादा तेल डाला हुआ ना, तो नीचे बैठ गया हुआ है तेल। और इसको हिलाते हैं अभी। और शाम का टाइम हो चुका है, अब मैं खाने लगी हूँ। लीम और चावल उसके ऊपर मैंने डाल दिया था, थोड़ा सा कौरमा और साथ में बोटी, इसको मिक्स करते हैं साथ साथ। अभी तो मैंने टेस्ट नहीं किया, टेस्ट करके ना फिर आपको बताती हूँ कैसा क्या है टेस्ट इसका। अब मैं जा रही हूँ छत पे, छत पे जाके मैं देखती हूँ क्या सूरत हाल है, ठंडा मौसम है या नहीं, मैंने फिर छत पे सोना है या नहीं। और ये देखें गीला है, क्योंकि हवा थोड़ी सी भी नहीं थी चल रही है। तो मैं आ गई थी नीचे, थोड़ी देर बाद बैठ के आ गई थी मैं नीचे। ये देखें सारा फर्श धुला हुआ है, क्योंकि ईद की तैयारियाँ भी हो रही हैं थोड़ी थोड़ी। अभी तो रहते हैं ईद में 2 दिन रहते हैं। ये देखें जो बाहर इतना सही मौसम नहीं हुआ, क्योंकि अब रात के शायद 6 बजे हुए हैं, पता नहीं 5 बजे हुए हैं, ये तो मुझे कंफर्म नहीं है। 7 बजने वाले हैं, मैंने तो नीचे टाइम देखा था। हाँ, तो मैं पढ़ने लगी, नमाज अज़ान हो चुकी है। नमाज़ पढ़ के ना फिर मैं आपसे ना बाद में मिलती हूँ, और आगे से बताती हूँ क्या सूरत हाल ये है। नमाज मैंने पढ़ ली है, ये है बकरा आ गया है घर में वापस खेल खूल के, और मुझे बहुत तंग कर रहा है, चुप ही नहीं कर रहा था, बह बोले जा रहा था, बोले जा रहा। मैं कहता तो मैं भी कैमरे में दिखा देती हूँ फिर। ये देखिए जी, मैं इसको प्यार कर दी थी, तो ये आगे से ज़्यादा बिगड़ रहा था। मैंने ये लाइट ऑन की, और मैंने मैक्रोनी रखी हुई थी अपनी गर्म करने के लिए, और ये मैं इसको तंग करी जा रही थी। और किचन पे आ गया, मैंने कहा चल तो मैं निकालती हूँ, और ये मेरा कैमरा ही नीचे गिर गया था। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, ये मैक्रोनी मेरी गर्म हो चुकी है। और मैंने वो ओवन पर सही तरह गर्म नहीं थी, मैंने ना पतीली में गर्म की थी। देखना खाने लगा, मुझे कहता है कि दो मुझे, मैंने कहा नहीं देना तुम्हें। तो मैं जाने लगी हूँ अब अंदर, क्योंकि अंदर लगा हुआ है एसी, क्योंकि हमने 6 बजे ही लगा लिया था एसी। तो मैं छत पे, मैंने कहा एसी में बैठे रहना ना, इसलिए मैं ऊपर गई थी कि छत से हवा भी लेनी चाहिए। और ये मैं खाने लगी हूँ सारी मैक्रोनी, और मेरा भाई सोया हुआ है छोटा, जो उनसे बहुत छाड़ती है। और मैं अंदर आ चुकी हूँ, अंदर लगा हुआ है एसी, तो मैं सोने लगी हूँ, क्योंकि रात के 1 या 2 बज चुका है। तो मैं जाते हैं सुन, बाय बाय। अब जी उठ चुके हैं, सुबह हो चुकी है, और ये देखें फिर इतना गंद पड़ गया है। मेरे सफाई करने का क्या फ़ायदा, फिर भी मुझे दोबारा करनी पड़नी है सफाई। तो चलो कोई नहीं, अब ये ना सफाई करके ना फिर मैं आपको ना बाद में बताती हूँ। ये मेरे भाई ने पीछे रोला डाला हुआ है,
क्योंकि ईद आ रही है इसलिए ईद की ज़्यादा ज़्यादा तैयारियाँ करनी होती हैं और जल्दी जल्दी सफाई करनी होती है। सफाई तो मैंने कर ली है पर ये पता भी नहीं लगा आपको। ये देखें जाले भी सारे उतारे थे। ईद की तैयारियाँ बहुत बहुत ज़्यादा आ गई हैं और ये मेरा भाई पीछे रोला डाली जा रहा है। रिमोट कहाँ है, रिमोट कहाँ मैं क्या मुझे नहीं पता। और वो सामने ये बाहर भी साड़ी हो गया, सामने भी किचन पर साड़ी हो चुकी है। और मैं ना अपना व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा व्लॉग नहीं करना और ये मैं स्कूल बट्टे को यहाँ रख देती हूँ। तो मैंने कहा चलो अपना व्लॉग यहाँ ख़त्म करते हैं, ज़्यादा लंबा व्लॉग नहीं करना। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। और ये इसकी ना गर्दन ही टूट गई है बेचारी की, मैं क्या करूँ अब इसका क्या करूँ। ओके फिर मैंने अपना व्लॉग यहाँ ख़त्म करती हूँ। टाटा बाय बाय, सी यू। मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया जल्द से लाइक से सब्सक्राइब और प्रेस करो बेल आइकन को दबा देना क्योंकि अब 11:30 होने वाले हैं। तो मैंने अभी आपको नसूरों का चार भी दिखाने लगी हूँ क्योंकि मेरी बातें फिर वहीं रह जाती हैं। तो ये देखें नसूरों का चार जो कि मैंने आपको अभी बताया था थोड़े कल वाले व्लॉग में। और ये मैंने अपना बैग था वो छुट्टियों का काम मिला हुआ था। और ये मेरा भाई पीछे रोला डाल जा रहा है, यहाँ मेरा छुट्टियों का काम पड़ा हुआ है। और ये देखें जी ये है मेरा छुट्टियों का काम। मेरी बातें फिर नहीं ख़त्म होती, व्लॉग तो मैंने एंड कर दिया था। मैंने कहा चलो कोई नहीं आपको ये भी दिखा देते हैं जो सा कल मैंने बैग के 15 मिनट्स में लिखा था। ये देखें जी दो लेटर और कॉम्प्रिहेंशन भी लिखी थी, ये है कॉम्प्रिहेंशन। और ये मैंने इसके 3 पेज लिखे थे, सारी कॉम्प्रिहेंशन लिखी थी। तो इसको करते हैं बंद और अपना व्लॉग यहाँ ख़त्म करती हूँ। टाटा बाबा सी यू।